आप जो ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भीलखेड़ा जो बड़वानी जिले का गांव है, और यहाँ पे खेल गांव में नर्मदा बच्चों आंदोलन की 13 जीवन शालाओं के 1500 बच्चों द्वारा रोज कबड्डी, खो खो और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो आदिवासी जो क्षेत्र है, वहाँ पे सरकारी स्कूलें न होने के कारण नर्मदा बच्चों आंदोलन द्वारा नर्मदा नवनिर्माण अभियान के तहत 13 जीवन शालाएं चला रहे हैं और हर साल बाल मेले का आयोजन किया जाता है। पहले मुझे गुरुजी पढ़ाया था, वैसा ही अभी मैं शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। तो तुमने भी कोई अलीराजपुर जहाँ जिला मुख्यालय, तुम अभी 12वीं में पढ़े हो, तो तुमने भी कोई खेल में कोई फायदा हुआ है? खेल में फायदा हुआ है। पहले मैं अलीराजपुर पढ़ता था 10वीं कक्षा में, तो खेल परिसर में सरकारी स्कूल में खेलने गया था, तो जाबुआ तक गया था, फिर यहाँ बड़वानी में आया था, संभाग तक पहुँचा था मैं खेल में। इस बाल मेला में केवल इकट्ठे रहने के लिए हम बाल मेला नहीं मनाते हैं, तो वो जो हमारा बाल मेला है उसमें सब एकता होना चाहिए और बच्चों को भी पहचान होना चाहिए और सीखना सिखाना वो पूरी अलग अलग प्रदर्शन के लिए बच्चे खूब खेल अलग अलग खेलों में ये खेलने के लिए, ताकि बच्चों के एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है, वो पूरा आत्मविश्वास लेकर बच्चे अपने अपने स्कूल में जाते हैं, उसको भी आत्मविश्वास मिलता है। और यहाँ जो बाल मेलों में जो बच्चे खेल के अभी तक जो बच्चे आगे गए हैं, वो हमारे बच्चे मुंबई, नागपुर, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रबोधनी तक हमारे बच्चे पहुँचे हैं। जो मैं नहीं कर पाया वो ये बच्चे कर रहे हैं, तो मेरे दिल को बहुत अच्छा सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि ये जो बच्चे कर रहे हैं, आज ये मौका ऐसे बच्चों को मिलता नहीं है। मैं राकेश खन्ना, खेलगांव भीलखेड़ा, बड़वानी मध्य प्रदेश से, वीडियो वायलेंटियर इंडिया हर्ट के लिए।